राज्य महिला आयोग में पिछले 2 सालों से अध्यक्ष समेत कई पद खाली हैं। हालात ये हैं कि आयोग में 4,000 से ऊपर मामले लंबित हैं और महिलाओं के हक की आवाज सही प्लेटफॉर्म पर नहीं उठ पा रही। आखिर क्या है तकनीकी कारण, क्यों नहीं भर पा रहे खाली पद, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आयोग में महिला उत्पीड़न से जुड़े केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आयोग में अध्यक्ष समेत कई पद खाली हैं। इस मामले में बीजेपी नेत्री गंगोत्री कुजूर कहती हैं कि बीजेपी के शासन काल में अध्यक्ष पद सदा भरा रहता था और तब लगातार काम भी होता रहता था और महिलाओं को न्याय भी मिलता था। राज्य बनने के बाद लगातार महिला आयोग का के ये में सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति तो काम लगातार चलता रहा, लेकिन मेरा ये है कि 2020 में जो लास्ट कल्याणी शरण जी थी वहाँ पे, उस समय लगभग पेंडिंग में 2200 केसेस थे जो आज के समय में 4200 हो गए। तो सरकार को तनिक भी ये नहीं हो रही है कि महिलाओं के लिए जो प्रताड़ना है या उनके साथ रेप केसेज है, बहुत सारी बातें जो वहाँ अपना महिला आयोग होने से वहाँ पे जब महिलाएं जाती हैं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं और अपनी बातों को भी अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, वहाँ पे बताते हैं और बकायदे वहाँ से जो कार्रवाई होती है। इस मामले में जेएमएम नेत्री महुआ मांझी कहती हैं कि जब सरकार बन रही थी उस समय अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही थी, लेकिन कोरोना के कारण पद को नहीं भरा जा सका। फिर जैसे ही आयोग बोर्ड निगम का गठन होने की बात आई तो कोविड आरंभ हो गया, तो 2 साल 2.5 साल कोविड के कारण सब कुछ बंद रहा और जिस समय पिछली सरकार गई थी तो हर विभाग में हजारों करोड़ का बकाया था, ट्रेजरी खाली थी। आपको पता है, निश्चित रूप से आप पत्रकार हैं, तो ट्रेजरी खाली थी और जिस भी विभाग के लिए सरकार जाती थी तो देखती थी कि हर विभाग में हजारों करोड़ पुराने लोगों का बकाया है जिनको अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। राजस्व वसूली नहीं हो रही थी सरकार की क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ बंद था, तो उस समय सरकार को लगा कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं उनकी बहाली हो जाए और बाद में बोर्ड निगम आयोग हो। चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन महिला आयोग के निष्क्रिय रहने से महिलाओं को न्याय मिलने में काफी मुश्किलें हो रही हैं और केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए आदित्य सिन्हा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।